इस वक्त संगम घाट पे हूँ जहाँ आज गंगा की भव्य आरती होनी है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। ये वही स्थल है जहाँ आज शाम 6 बजे गंगा की महाआरती होगी। दोस्तों, ये परंपरा 24 सालों से निरंतर चली आ रही है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पूरे देश में एक अलग स्थान रखता है, वो भी भृगु क्षेत्र बलिया का। ये उस वक्त की बात है जब 2001 में इस तट पर हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से लोग गंगा की तरफ बढ़ रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे उस वक्त की बात है जब तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता थे, मैं रोशन जायसवाल, उस वक्त मैं हिंदुस्तान अखबार में था। एक चर्चा हुई कि क्यों न एक गंगा की आरती हो, तो शुरुआत लक्ष्मण गुप्ता के तरफ से हुई कि गंगा आरती करेगा कौन। ये सच्चाई है जो मैं जानता हूँ। एक शुरुआत कैसे गंगा की आरती हुई, तो ये हुआ कि गंगा की आरती हो तो गायत्री शक्तिपीठ के जो लोग हैं उनके तरफ से हो, तो गायत्री शक्तिपीठ महावीर घाट से एक शुरुआत हुई शिव कुमार कौशिक की तरफ से। तो शिव कुमार कौशिक, लक्ष्मण गुप्ता, मैं रोशन जायसवाल और गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम बना और उस वक्त एक छोटे से रूप में एक शुरुआत हुई 2001 में गंगा की आरती। लगातार आज 24 सालों से गंगा की आरती होती चली आ रही। 5 साल संजय उपाध्याय की तरफ से रही, 5 साल साधना गुप्ता की तरफ से रहा, 5 वर्ष अजय कुमार समाजसेवी की तरफ से रहा और 5 साल लक्ष्मण गुप्ता की तरफ से रहा और लगातार 2 साल से संत कुमार मिठाईलाल के कार्यकाल में अब गंगा की महाआरती हो रही है। दोस्तों, उस वक्त में आज के गंगा महाआरती में क्या परिवर्तन हुआ है। इस बार पहली बार इस तट पर जलमल हैंगर के द्वारा विशाल पंडाल बन के तैयार हो चुका है। गंगा की भव्य आरती होगी, ये पहली बार देखने को मिलेगा कि भव्यता इसकी कितनी अलग होगी इस तट पर, क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़े कलाकार भी आ रहे हैं जो पहली बार इस गंगा तट पर, इस संगम तट पर, बात करें इंटरनेशनल स्तर के बड़े ख्याति प्राप्त कलाकार जो टेलीविजन में वाइन के कई गाने हिट हो गए हैं, लोग घरों में हर जगह उनको सुनते भी हैं, भक्ति के सागर, भक्ति भजन के सबसे बड़े कलाकार आज देखा जाए तो इस स्थल पर होंगे। ऐसे कलाकार तो बहुत हैं लेकिन इनका एक अलग नाम है इस क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, धार्मिक गायन के क्षेत्र में, जो आज आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों गंगा तट है, ये जहाँ भजन होगा गंगा आरती का, इसके बाद ये स्टेज पे गंगा आरती होगी जो काशी के विद्वानों द्वारा एक भव्य आरती होगी। और इस बार सबसे बड़ी खूबी है कि लेजर शो जब होगा तो हमें लगता है ये पूरा घाट जगमग हो जाएगा। 21,000 दीपक जलेंगे और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, बात करें नगर विधायक दयाशंकर सिंह के तरफ से जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि 1,00,000 लोगों को भोजन कराया जाएगा, यानी प्रसाद स्वरूप भंडारे में। ये उनकी परंपरा दूसरी बार की है कि नगर विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह 1,00,000 लोगों को भोजन कराएंगे इसी तट पर। टीम उनकी पूरी तरह से तैयार है, काम हो रहे हैं और 21,000 दीपों से जगमगाएगा ये संगम घाट। भाई साहब, जब लाखों का रेला इस तट पर होगा, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आज के इस आरती में। मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा कन्हैया मित्तल का नाम, हिंदुस्तान में एक अलग अपने भजन के माध्यम से अपने नाम को बेहतर करने वाले कन्हैया मित्तल जो आज होंगे इस शाम इस गंगा तट पर, इस गंगा के महाआरती के कार्यक्रम में अपने भजनों से इस संगम को धार्मिक वातावरण में तब्दील करेंगे। इसके बाद श्वेता मिश्रा एक बड़ा नाम है, वो भी आज इस गंगा तट पर होंगी, इस महाआरती में होंगी। और दूसरा जो तीसरा नाम है वो है आपने सुना होगा वो गीत जय हो बागी बलिया आज भी वो हिट है, पूरी तरह से हिट है। आज उसी को लेकर आज जो तैयारियां हैं, जो पहली है कि सांस्कृतिक संध्या जो होगा, थीम सॉन्ग लॉन्च आज होगी, जो थीम सॉन्ग जो हर साल बलिया की लॉन्चिंग होती है आज इस 14 नवंबर के शाम को होगा थीम सॉन्ग लॉन्च। उसके बाद
बात आई है प्रणव सिंह कान्हा, बिमल बाबरा, अंजलि उर्वशी की जो प्रस्तुतियां होंगी वो बहुत ही बढ़िया होंगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं प्रणव सिंह कान्हा जी को, जो जय हो बागी बलिया की आपने गीत सुना होगा, बलिया बड़ी हिट गीत है, हर छोटे बड़े आयोजनों में ये गीत का सुनी जाती है। आज उस गीत को गाने वाले प्रणव सिंह कान्हा हमारे बीच में होंगे करीब 6 बजे के आसपास, और बिमल बाबरा, अंजलि उर्वशी की प्रस्तुति होगी और कलाकार डांस स्टूडियो द्वारा नृत्य की प्रस्तुति होगी। एक बड़ा आयोजन है, हमें लगता है कि एक साथ दर्जनों कलाकारों का संगम इसी संगम घाट पे होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लचकार और मुख्य विकास अधिकारी, बात करें मुख्य राजस्व अधिकारी, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, तमाम बड़े लोग यहाँ होंगे, कलाकार होंगे, अधिकारी होंगे और प्रांत प्रदेश के प्रांत प्रचारक भी आज हमारे बीच, रमेश जी भी होंगे जो यहाँ जिला प्रचारक भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने पहले उनको आना चाहिए, लेकिन वो आ जाएंगे, हालांकि वो आए भी होंगे, लेकिन रमेश जी के आने से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होगा, क्योंकि रमेश जी एक संत हैं, अपने विचारों से, अपने इस आयोजन से बहुत बहुत कुछ अपने आप को देंगे, क्योंकि आज की जो शाम होगी वह महर्षि भृगु की तपोभूमि पे लगने वाले ददरी मेला के नाम होगी। तो दोस्तों, महर्षि भृगु की तपोभूमि है और गंगा की पवित्र स्थली है जहां इतने बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद ने जो भूमिका की है, जो भूमिका अदा की है, वो काफ़ी लाभदायक तारीफ में है कि लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि ददरी मेला को विस्तार से बनाने के लिए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, गंगा की महाआरती को विस्तार से लोगों को जन जन तक पहुँचाने के ये आयोजन आज का जो होगा यादगार होगा, एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आयोजन पहली बार इस तरह को देखने को मिलेगा जनपद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, प्रदेश वासियों को। दोस्तों, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक लेता ही जुड़ रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।